नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के आप लोग के इस लोअर पीसेस स्पेशल में, आज के इस वीडियो में लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 2017 का मैथ्स का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर में वो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की आप लोग की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेगा। और अगर आज की क्लास आपको पसंद आती है, जो भी मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट लॉजिक शॉर्टकट ट्रिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, अगर आप सभी को समझ में आती है, अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो कंटिन्यू इस सीरीज को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ज्योमेट्री का है। इन ट्रायंगल एबीसी बी इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू रखा 40 डिग्री। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन को लगाते रहेंगे, ठीक है। तो एक आपको ट्रायंगल एबीसी दिया है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रायंगल हमें दिया गया एबीसी, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं एबीसी, ठीक है। तो एक ट्रायंगल दिया गया हमें एबीसी, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक आपको ट्रायंगल दिया गया एबीसी, ध्यान दीजिए, मान लीजिए दोस्तों एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, ये हमारा हो गया ए, ये है बी, और ये दिया गया है ट्रायंगल सी, ठीक है। पॉइंट दे रखे एबीसी। अब एंगल बी इसमें 60 डिग्री है और सी इसमें 40 डिग्री है, तो देखते हैं यहाँ पर जो जो दिया है वैसे वैसे करते रहेंगे। बी आपका कितना दे रखा है, आपको एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, ये दे रखा है आपको 60 डिग्री, और एंगल सी आपको दिया गया है 40 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, आगे देखें क्या दिया गया है। एडी और एई, ये एंगल ए के समद्विभाजक, यानी कि जो एडी है ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है बराबर बराबर सामने की भुजा को काटता है, इससे ट्रायंगल दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है और BC पर लंब है। AE क्या है, ये BC पर लंब है। तो दो लाइनें हैं, एक है आपकी AD और एक है आपकी AE। AD जो है वो है आपका समद्विभाजक, तो AD लाइन दोस्तों ऐसे आएगी, AD क्या आपका समद्विभाजक है, यानी कि ये इस लाइन और इस लाइन को बराबर भागों में डिवाइड करता है। और एक है आपका AE, AE क्या करता है दोस्तों आपको बता दें यहां पर AE, ठीक है, ये आपका लंब है, ठीक है। तो AE आपका क्या है, ये BC पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये लंब बना दिया, ये 90 डिग्री हो गया एंगल। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा फिगर बनता है तो ये आपका है AE और ये आपका AD, ओके। तो आपको मान निकालना है EAD, आपको क्या निकालना है, एंगल EAD वैल्यू क्या होगी। दोस्तों कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर एक लंब दिया हो और एक समद्विभाजक दे रखा हो, तो देखिए उसका मान निकालना हो, अगर कभी भी अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है, मान लीजिए ये एक्स है, तो एक्स डिग्री बराबर होता है दोस्तों आपका क्या, याद कर लीजिए दोस्तों आप लोग, एंगल बी डिफरेंस बाई एंगल सी अपॉन टू, ओके। ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, अगर ये ट्रिक आपको याद होगी, आपको हमेशा क्वेश्चन यही दिया जाएगा, आपको हमेशा बी का मान पता होगा, सी का मान पता होगा, और हमेशा आपसे एक्स पूछा जाएगा। एक आपको दिया जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि एक आपको बाइसेक्टर दिया होगा जो बाइसेक्ट कर रहा होगा यहाँ पर दो पार्ट में, और एक आपको परपेंडिकुलर लाइन दे रखी होगी जो कि BC को जो है BC पर परपेंडिकुलर होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन था फॉर्मूला आपका ये रहेगा, तो बस कुछ नहीं करना है, एंगल B का मान आपका 60 है, C का मान 40 है, जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देना है, ओके। 60 में 40 या 20 बटे 2, यानी कि जिसका भी आंसर 10 आ रहा था बिल्कुल सही होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका 10 अंश। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर बी आ रहा बिल्कुल सही है, तो पढ़ लीजिए, आपको एक ट्रायंगल ABC दे रखा था, यहाँ पर बी 60 डिग्री है, सी 40 डिग्री है, AD आपका समद्विभाजक था एंगल A का, ठीक है, जो कि इस कोण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर रहा था, और AE था लंब आपका, परपेंडिकुलर लाइन थी, और आपको AD का मान बताना था। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ गया। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके सामने। 13 परिणामों का औसत 70 है, प्रथम 7 का दे रखा है यहाँ पर 65, अंतिम 7 का दे रखा है आपको यहाँ पर 75, तो 7वां परिणाम क्या होगा ये आप लोग को बताना है। तो चलिए जैसा जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। तो चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए 13 परिणामों का औसत क्या दे रखा था, 13 परिणामों का जो आपको एवरेज था वो दिया गया था 70, प्रथम 7, फर्स्ट 7 नंबरों का जो दे रखा था वो औसत कितना था, वो था आपका 65, और लास्ट के 7 परिणामों का औसत कितना था, ये था आपका 75। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपको लगाना तब आप लोग क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 70 दे रखा है, टोटल एवरेज 70 है, ये दोस्तों 70 से कितना कम है, जो पहली 7 संख्या है ये 70 से 5 कम है, तो 5 कम है, 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से 35 हो जाएगा, माइनस का 35 आ जाएगा। अब ये दोस्तों कितना कम है, 5 ज्यादा है, ये 70 से 5 ज्यादा है, इसको भी कितनी संख्या है,
सात संख्या है तो इसको भी सात से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ जाएगा प्लस का 35। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर हमारा जीरो आ जाएगा, तो जो भी वैल्यू आती है वो इसमें जोड़ देते हैं। तो 70 में अगर हम लोग जीरो जोड़ेंगे तो आपका एवरेज क्या आएगा, टोटल एवरेज जो आएगा ये हमारा सातवा परिणाम आ जाएगा। तो सातवा परिणाम दोस्तों कितना आएगा, 70 ही आएगा। ओके, तो कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने यहाँ पर, जो भी हमारा एवरेज था जैसे कि जीरो आ गया हमारा जो कुल निकल गया एवरेज, हमने इसमें जोड़ दिया, अगर यहाँ पर ज्यादा आता तो घटा देते, तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर आता वो हमारा ये आता। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, अगर आपका भी आंसर बी आ रहा है तो बिल्कुल सही है, इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, सब लोग बताएंगे करेक्ट आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आंसर कैसे निकालना है। 50 विद्यार्थियों की क्लास है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अवर क्लास इज 72, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, यानी दोस्तों उस विषय में लड़के और लड़कियों के जो एवरेज नंबर है वो है 70 और 75, तो क्लास में लड़कों की संख्या बताने कितनी होगी, बताइए 20 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा या फिर 30 आएगा, किसी को पता है, कोई बता सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे लगाना है। 50 विद्यार्थियों की क्लास है जिनका एवरेज रखा है 72, चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ, 50 बच्चे हैं, टोटल कितने बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज रखा है आपको यहाँ पर कितना, जी हाँ बिल्कुल बताइए दोस्तों, 50 बच्चों की क्लास में जिनका एवरेज आपको दिया गया है यहाँ पर 72, ओके, तो इसको लिख रहे हैं बीच में, ये टोटल एवरेज नंबर हम लोग बीच में लिखते हैं। अब इसमें कुछ लड़कियों का एवरेज दे रखा है, बॉयज का दे रखा है, गर्ल्स का दे रखा है, तो बी फॉर बॉयज, ये हो गए गर्ल्स। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बॉयज का एवरेज कितना है, लड़कों और लड़कियों के औसत अंक 70 और 75, लड़कों के हैं 70 और लड़कियों के 75, तो लड़कों के हो गए यहाँ पर 70 और लड़कियों के हो गए 75, तो लड़कों की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर 70 और लड़कियों को लिखेंगे 75। अब यहाँ पर एलिगेशन मेथड को अप्लाई कीजिए, तो यहाँ बचेगा दोस्तों आपका 2, 72 में से 70 गया, 75 में से 72 गया, 3 गया, अनुपात आ गया 3:2, टोटल दोस्तों बच्चे 50 हैं, यानी कि 3 और 2 बराबर लिखा हमने 50 के, 3 × 2 = 5, 5x बराबर लिखा हमने 50, x बराबर आ जाएगा 10, तो दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो आपको क्या बताना था यहाँ पर, लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने यहाँ पर 30 हैं। तो दोस्तों जिसका भी यहाँ पर आंसर डी आर तो बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा आपका डी, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का डी वाला, यानी कि 30 आंसर आएगा। ओके तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो बता सकते हैं, समझ में आ गया सभी के, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, यदि रैखिक समीकरण 2x + 3y = k दे रखा है जिसके हल 2,0 है तो k का मान बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 2x + y = k दे रखा है और इसके मान दे रखे हैं 0, 2 और कॉमा 0, तो x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे 2 × 2, y की जगह 0 रखेंगे बात खत्म हो जाएगी, k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आपका आ जाएगा 4 बिना समय का बाय। अगर आपका भी आंसर डी आ रहा बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा आपका 4। दोस्तों चलिए अब आप लोग को बताना, यदि किसी वर्ग के बेकण की लंबाई 6√2 cm है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकर्ण की लंबाई होती है दोस्तों आपकी √2 के बराबर, तो 6 × 6 कितना होगा, 36 होगा। अगर आपका आंसर बी आ रहा बिल्कुल सही है, तो कैसे लगाना, शायद जो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें। देखिए एक आपको दिया गया वर्ग, ये एक वर्ग है मान लिया, इसका एक डायगोनल दे रखा है, यानी कि विकर्ण दे रखा है, इसकी लंबाई है 6√2, तो विकर्ण आपका वैसे होता है √2, √2 बराबर आपको दे रखा है 6√2, तो ये कितना होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, तभी 6√2 आएगा पाइथागोरस से, ए बराबर आ गया 6। और आपको निकालना था एरिया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 6 × 6 यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो बस यहां से आपका आंसर आएगा 36 cm². ओके अब देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, एक ट्रायंगल एबीसी दे रखा है जिसमें ओ आपका लंब केंद्र है, एंगल बीओसी का मान दे रखा है 80 डिग्री, तो आपको बीएसी का मान बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। आपको एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है वैसे वैसे करते हैं, एक आपको त्रिभुज एबीसी दिया गया, ठीक है, मैंने मान लिया एक हमारा त्रिभुज है एबीसी, ये हो गया त्रिभुज हमारा एबीसी। आगे पढ़ते हैं, आगे दोस्तों आपको यहां पर क्या दिया गया था, ओ एक लंब केंद्र है और एंगल बीओसी 80 डिग्री है, ओ एक लंब केंद्र है और बीओसी 80 डिग्री है, ओ एक लंब केंद्र है, यानी कि लंब डालेंगे तो आपका क्या पड़ेगा, ओ एक जो है लंब केंद्र,
तो ये जो है आपका ओ है, और बी ओ सी का मान कितना दे रखा है आपको, ये आपको ऑलरेडी पहले से दे रखा है 80 डिग्री, और आपको बताना है फिलहाल यहां पर बी ए सी, आपको इसका मान ज्ञात करना है, ये आपको दे रखा है x डिग्री। ओके, तो ओ एक लंब केंद्र है, यहां पर बी ओ सी का मान दे रखा है 80 डिग्री। तो लंब केंद्र जो होते हैं ये होता है आपका, देखिए प्रतिबंध होता है बी ओ सी प्लस एंगल बी ए सी, अगर ये आपका क्या है लंब केंद्र है तो बी ए सी बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। अब बी ओ सी का मान दे रखा है आपको 80, आपको बी ए सी का निकालना है, ये और ये दोनों दोस्तों किसके बराबर होते हैं, 180 के योगफल के बराबर होते हैं 180। तो आपका बी ए सी का मान कितना आ जाएगा, तो बी ए सी का मान आ जाएगा 100 डिग्री। तो अगर आप लोग का भी यहाँ से 100 आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही जवाब होगा आपका 100 डिग्री। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको डाउट लगे तो एक रूल है, लिख लीजिए यहाँ पर कि अगर लंब केंद्र दे रखा होगा तो दोस्तों दोनों ऊपर वाले कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है, बस। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, संतोष ने बचा हुआ काम यानी कि आधा काम जो बच गया तो उसे क्षेत्र में पूरा कर लिया, तो दोनों मिलकर काम को कितने में पूरा कर सकते हैं। आधा काम जो है 12 दिन में करता है पूरा काम 24 दिन में करेगा नहीं करेगा, ये आधा काम 6 दिन में करता है पूरा काम दोस्तों 12 दिन में करेगा नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 24 है, एक तरफ आपका 12 दे रखा है, तो 24 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बिना ऑप्शन देखिए आप लोग बता सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही है, कुछ करना ही नहीं है। ये मान लिया 12 में आधा काम कर रहा है 24 लगेगा इसे, ये आधा काम 6 दिन में कर रहा है 12 लगेगा, एलसीएम लिया 24 एकम 24 12 दिन 24 3 से कर दिए डिवाइड, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करना है, 3 8 24। अगर आपका आंसर 8 आ रहा है तो यही स्पीड चाहिए, अगर आपको लोअर पीसेस का एग्जाम देने जा रहे हो और मैथ्स के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपकी स्पीड मेरी तरह इतनी ही फास्ट होनी चाहिए। तो कैसे लगाया, यहाँ से आपका आंसर 8 आएगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आपको हमारे चैनल पर टाइम एंड वर्क प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं, देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि लॉजिक कौन सा फॉलो हो रहा है। अब एक कार 70 किलोमीटर प्रति घंटा की निश्चित दूरी से तय करती है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से वापस आती है, 70 से जा रही है 30 से वापस आ रही है, तो पूरी यात्रा की औसत गति बताना है। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा आता है, मान लो ये आपकी कार है, ठीक है, ये आपकी ए से बी तक गई, यहां से यहां तक गई, किसी स्पीड से 70 की स्पीड से गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां तक वापस आ गई किसकी स्पीड से 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी बराबर हो और औसत चल पूछा जा रहा हो तो फॉर्मूला होता है आपका 2 × x × y / x + y, तो 2x की जगह 70 आ जाएगा, वाई की जगह आपका 30 आ जाएगा, और 70 और 30 लिखा हमने यहाँ पर दोस्तों कितना 100 लिखा, 7 × 21 = 42। ओके, तो अगर आपका भी आंसर यहाँ से ए आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लगाकर दिखाएंगे, ए एक काम को 30 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 40 दिन में कर सकता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे कमेंट के थ्रू, देख लीजिए बताइए करेक्ट आंसर क्या आएगा, आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। अब देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आप लोग लगाकर दिखाएंगे, 1 से लेकर 20 तक की आपको अभाज्य संख्या लेनी है, तो 1 से लेकर 20 तक की जितने भी अभाज्य संख्या आपकी आ रही है 2 3 5 7 11 जो भी है उनको जोड़ेंगे और जितनी भी संख्या उसे डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और अब बात करेंगे, हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, किसी परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% नंबर लाने ही है, अगर उसे एग्जाम में पास होना है तो 40% नंबर चाहिए, अगर वो 180 नंबर लाता है और 180 नंबर से यानी कि बराबर अंकों से ही फेल हो जाता है तो परीक्षा में पूर्णांक कितना चाहिए। 180 नंबर ला रहा है और बराबर अंक यानी कि 180 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 180 और होते तो पास हो जाता, तो टोटल 40% नंबर अगर कैसे आएंगे, 180 और 180 यानी 360, तो 40% बराबर किसके बराबर, 360 के बराबर है, कह रहे ना 180 अंक प्राप्त करता है, 180 नंबर ले आया और इतने नंबर अगर और होते तो पास हो जाता लेकिन फेल हो गया इतने नंबरों से, तो 40% का मतलब यहाँ पर 360 के बराबर है, 0 0 4 9 36, तो 1% बराबर 9, 100% बराबर 900, तो पूर्णांक कितने नंबर का है, 900 नंबर का है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी, वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग चाहते हैं कि सीरीज को कंटिन्यू रखा जाए तो आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, अगर आपका रेस्पॉन्स मिलता है मुझे तो फिर मिलेगी आपकी अगली क्लास कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लॉजिक के साथ, जो भी प्रीवियस ईयर में सिलेक्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे,
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।